नमस्कार दोस्त, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिपेश गौर में। दोस्तों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत विभिन्न अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आज एक अपडेट आया है, जैसे कि आप सभी को पता आया था कि फर्स्ट बैच जब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फॉर्म डालने स्टार्ट हुए थे तो कई बहनें छूट गई थी, जिसके लिए 25 जुलाई से फिर से आवेदन स्टार्ट किए गए। परंतु इसमें 21 से 23 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनका बिना ट्रैक्टर के हो रहा है, और जो 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की जिनकी उम्र है उनके अगर आपको आवेदन करना है तो ट्रैक्टर जरूरी है। पर इसमें भी अब बड़ा अपडेट आया है, जो 23 से 60 वर्ष की उम्र है और आपके पास ट्रैक्टर नहीं है फिर भी आप आवेदन भर सकती है। तो कैसे भर सकती है ये संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आपको पता होगा कि जतारा टीकमगढ़ में महिला सम्मेलन होता, लाडली बहना महिला सम्मेलन, तो उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा की थी, मेरी बहनों अभी 21 से 23 वर्ष उम्र और ट्रैक्टर वाले परिवार की बहनों का रजिस्ट्रेशन होना है। ठीक है, जैसे कि 25 जुलाई से जो आवेदन स्टार्ट हुए उसमें केवल ट्रैक्टर वाली बहनें और 21 से 23 वर्ष जिनकी उम्र है उनके आवेदन हो रहे हैं। ठीक है, आपकी उम्र अगर 21 से 23 वर्ष की उम्र है तो आप आज ही आवेदन करवा सकते हो, और अगर आपकी उम्र 23 वर्ष से अधिक है, मतलब 23 से 60 के बीच में है, तो आपके पास ट्रैक्टर नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। परंतु इसमें अपडेट आया है कि मेरी बहनों लाडली बहना योजना में अभी अभी 21 से 23 वर्ष उम्र और ट्रैक्टर वाली बहनों के ही रजिस्ट्रेशन हो रहे थे। जो बहनें छूट गई हैं, मतलब जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है और उनकी उम्र 23 से 60 वर्ष है, जो बहनें छूट गई हैं, जो बहनें योजना में छूट गई हैं, अगले महीने में उनका रजिस्ट्रेशन फिर से किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। जतारा टीकमगढ़ में जो महिला सम्मेलन हुआ था उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है कि अब जो बहनें रह गई हैं जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है उनका भी आवेदन चालू होगा अगले महीने से, मतलब अभी अगस्त से चल रहा है तो सितंबर में फिर से उनके लिए आवेदन स्टार्ट होंगे। लगभग 5 तारीख से आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। लाडली बहना योजना के अंतर्गत विभिन्न जानकारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी अभी आपके पास ट्रैक्टर है और आपके आरसी में जो नाम है वो अलग है, आधार कार्ड में अलग है, तो आप एक काम करिए, आप अगले महीने तक वेट करें, क्योंकि अगर आप उसमें चेंजेस करवाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप वेट करिए। जरूर अपडेट आ चुका है कि जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है उनका भी अब रजिस्ट्रेशन होगा और जिनके पास है उनका तो चल ही रहा है। ठीक है, तो आप कुछ दिन वेट कर लिए, एक महीना है लगभग, 5 सितंबर से आवेदन स्टार्ट होंगे जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है। तो दोस्तों, यही बड़ा अपडेट था जो मैं आपको देना चाहता था। तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपको जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।